हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त पंकज कुमार और आपका स्वागत है एक नए और मज़ेदार ट्यूटोरियल में। अक्सर आपके दिमाग में कुछ थॉट आता है जिसे आप लिखना चाहते हैं और लोगों को दिखाना चाहते हैं। अगर आप मेरे जैसे हैं तो अक्सर आप वो कोट्स भूल जाते होंगे। जैसे मैं कभी बस या ट्रेन में ट्रेवल करता हूँ तो मेरे दिमाग में बहुत सारे कोट्स आते हैं और जैसे मैं उतरता हूँ वैसे मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। पर नेक्स्ट टाइम अगर आपके दिमाग में कुछ कोट्स आए तो उसे कहीं लिख लें, क्योंकि इस बार हम आपके कोट के साथ कुछ नया करने वाले हैं। इंटरनेट में एक बहुत फेमस ब्लॉगर है खुश एंड बिजडम, जो अपने कोट्स को एक अलग ढंग से लिखते हैं जिसे वो बहुत इफेक्टिव दिखता है। आज हम वही देखेंगे कि ये लोग क्या टेक्निक यूज़ करके इस तरह से इसे लिखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे इमेजेस है जिसमें कोट्स लिखा हुआ है और पूरा का पूरा फोकस उस कोट्स के ऊपर है और वो और ज़्यादा इफेक्टिव दिख रहा है। आप कुछ कोई भी इमेज देख सकते हैं इसमें, तो हम देखेंगे बनाते कैसे हैं। आपके कोर्स अगर पास आपके पास कोई कोर्स है या किसी और का कोर्स लेके आप उसे बनाना चाहते हैं तो आप किस तरह बनाएंगे। यहाँ बहुत सारे फेमस आदमी को कोर्स को हुए लेके बनाया गया है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ बॉब माली का कोई कोर्स को लेके बनाया गया है। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं और अपना फेसबुक या फिर अपना अगर आपका कोई ब्लॉग साइट है तो उसमें आप अपना शेयर कर सकते हैं। तो हम दिखाएंगे इमेज बनता कैसे है। बहुत सिंपल प्रोसेस है और बहुत इफेक्टिव प्रोसेस है। तो अपने फोटोशॉप में आ जाएंगे। फोटोशॉप में आके आपको वो इमेज खोलना होगा जो आपके कोर्स से रिलेटेड है। आप कुछ इस तरह का इमेज ना ले जो आपके कोर्स के साथ नहीं जाता। तो मैं यहाँ पे एक रोमांटिक इमेज लूँगा क्योंकि मेरा जो कोट है वो थोड़ा लव वाला है, रोमांटिक कोट से जो मैंने इंटरनेट से लिया था, वो मेरा कोट नहीं है। पर आप अगर जब बनाएंगे तो थोड़ा तो क्रिएटिव होना चाहेंगे तो आप अपना कोट ले और उस तरह का इमेज आपको नेट में ज़रूर मिल जाएगा, या इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल जिस तरह का भी आपका कोट है वो आपको मिल जाएगा। यहाँ जैसे मैंने ये इमेज ले लिया, इमेज के साथ सबसे पहले एक काम करना है, एक नया लेयर बनाना है और नए लेयर में आपको ब्लैक कलर फिल करना है। यहाँ पे मैं पेंट बकेट टूल लूँगा और हमारा जो ब्लैक टूल कर लूँगा, यहाँ पे यहाँ मैं ब्लैक फिल कर दूंगा। यहाँ हमने ब्लैक फिल कर दिया। ये करने के बाद हम जो ओपेसिटी होगा वो 60 और 50 के आसपास होगा, तो मैं 55 देता हूँ अभी। ये अभी श्योर नहीं है कि मैं इतना रखूँगा, पर शुरू करने के लिए ये ठीक है। ये करने के बाद आपको अपना इरेजर टूल लेना होगा। इरेजर टूल आपका ई प्रेस करने का शॉर्टकट उसका है ई। इसके बाद आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और हार्डनेस को ज़ीरो कर देंगे, हार्डनेस ज़ीरो। और आपका जो साइज रहेगा वो आपके मेन कैरेक्टर का जो रहेगा फेस के आसपास रहेगा, या आपका इमेज कुछ और है तो उसका सर्टन पोर्शन जो थोड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है वहाँ पर आप एक क्लिक करेंगे। वो करने के पहले एक दो बात का ध्यान रखें। यहाँ मेरा ओपेसिटी 50% रहेगा, फ्लो 100% रह सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, पर ओपेसिटी कम रहेगा। तो अब मैं इस इमेज पे यहाँ पे इरेजर टूल लेके क्लिक कर रहा हूँ जो हमारा ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करूँगा। तो यहाँ देखेंगे तो ये करने से हुआ ये कि आप देखिए हमारे पास एक मैट है जो ब्लैक है और उसके नीचे हमारा इमेज है। अब हम एक काम करेंगे कि अपना कोट लेंगे। अपना कोट्स आप अगर अपना लिखते हैं तो आप लिख के रखे होंगे या फिर कहीं और से भी ले सकते हैं। तो ये हमारा कोट है तो इसे मैं लेता हूँ। कोट में आप फुल स्टॉप और कॉमा ये सब लगा सकते हैं अगर ज़रूरत है, अगर ज़रूरत नहीं है तो बिना मतलब का उसे ना लगाए क्योंकि उससे अच्छा दिखेगा नहीं। ये करने के बाद आप जो फॉन्ट लेंगे वो एकदम सिंपल लेंगे, एकदम सिंपल होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ कोई भी सिंपल फॉन्ट और थोड़ा बोल्ड हो जो, मैं यहाँ लेता हूँ फ्रैंकलिन गॉथिक हैवी। ये बहुत अच्छा काम करता है, मैंने एक बार इसे यूज़ किया था और ये काफ़ी अच्छा है। ये लेने के बाद मैं यहाँ क्लिक करूँगा, मैं टेक्स्ट लूँगा और अपना कोर्स को यहाँ पेस्ट करूँगा बस। तो ये बहुत बड़ा है, सबसे पहले इसे छोटा कर ले, बहुत ज़्यादा बड़ा है। आप ट्रांसफॉर्म टूल का यूज़ कर सकते हैं या फिर मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे टेक्स्ट टूल का ही। डबल क्लिक करेंगे तो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा एक साथ, और यहाँ पे ऊपर में जो है इसे छोटा कर ले और छोटा। बाद में मैं इसका साइज़ को चेंज करूँगा पर अभी इसे मैं देखने के लिए छोटा कर लेता हूँ। इसके बाद हम टेक्स्ट टूल लेंगे और जहाँ से आप सेंटेंस को ब्रेक करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ से ब्रेक करना चाहता हूँ, वर्ड के बाद यहाँ ब्रेक करना चाहता हूँ, यहाँ टेक्स्ट टूल लूँगा, यहाँ क्लिक करूँगा और प्रेस करूँगा इंटर। तो हमारा ये ऐसे ब्रेक हो गया। आपका कितना लाइन में आपको ये रखना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, एक लाइन, दो लाइन या तीन लाइन। दरअसल जनरली ये एक लाइन में नहीं होता है,
ये 2 या 3 लाइन में होता है, तो मैं यहाँ पे इसे 3 लाइन करूँगा। यहाँ से फिर एक बार ब्रेक करता हूँ इसे, और यहाँ से क्लिक करके इसे बैक स्पेस दबाता हूँ, और यहाँ से फिर से ब्रेक करता हूँ। ये करने के बाद आप पूरा सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये जो है हमारा सेंटर टेक्स्ट, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका सेलेक्ट टेक्स्ट जो है सेंटर में आ जाएगा। अब मैं इसका साइज को थोड़ा बढ़ाऊंगा। ये बढ़ाने के बाद अब आप जाएंगे इसका ब्लेंडिंग ऑप्शन में, राइट क्लिक लेयर में जाके आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे है ब्लेंडिंग ऑप्शन, और यहाँ पे जो आउटर ग्लो है वहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आप जो यहाँ ब्लेंडिंग मोड है स्क्रीन है उसे आप करेंगे नॉर्मल, और यहाँ कलर जो होगा हमारा ब्लैक होगा। ये करने के बाद आप देखेंगे, आप बढ़ाएंगे इसे साइज को कितना में अच्छा लगेगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। स्प्रेड करेंगे इसे, ओपेसिटी थोड़ा कम करेंगे, ये ठीक है। ये करने के बाद अब हम एक नया लेयर लेंगे और प्रेस करेंगे कंट्रोल ए। कंट्रोल ए प्रेस करने के बाद आप कोई भी सिलेक्शन टूल लेंगे, कोई भी, जैसे मैं ये ले लेता हूँ, मुझे यूज़ नहीं करना, बस मुझे राइट क्लिक करना है यहाँ पे, और यहाँ करना है स्ट्रोक, एकदम पतला सा स्ट्रोक होगा वो इनसाइड होगा, कुछ 5 पिक्सल का। ओके, ये स्ट्रोक इतना पतला होता है कि दिखता भी नहीं है, पर ये स्ट्रोक हमेशा होता है उस इमेज में, मैंने गौर किया ये बात को। ये करने के बाद अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, ये करने के बाद अब आप एक काम करेंगे, जो इस कोट में जो वर्ड है तो हैवी है, जिसका बहुत मीनिंग है और जिसका बहुत इम्पोर्टेंस है, उसका आप कलर चेंज कर देंगे। अभी वाइट है तो जैसे मैं यहाँ लव को लेके मैं कर दूँगा रेड, और फिर लूँगा हार्डेस्ट, हार्डेस्ट को इसे भी रेड कर दूँगा, और यहाँ पे हेयर या फिर ईजीएस्ट, इसमें से मैं एक लूँगा, मैं यहाँ हेयर लेता हूँ और यहाँ से को कर देता हूँ। अब आप देखें तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप ये करने के बाद अगर आपका कोर्स, ये आपका कोर्स है या फिर आपने कहीं कॉपी किया है, कोई बात नहीं, आप नीचे में या फिर यहीं पे अपना नाम लिख सकते हैं। जैसे ये मैंने नहीं लिखा है तो मैं अपना नाम नहीं लिखूंगा, मैंने इसे इंटरनेट से लिया था। ये करके आप इसे कर देंगे इटैलिक, कुछ इटैलिक फ़ॉन्ट लेंगे जो कुछ ऐसा, और इसे साइड में रखेंगे ऐसे, और इसका चेंज कलर चेंज करके आप कुछ और कर देंगे। कुछ पर्पल जैसा करना चाहता हूँ मैं, तो दोस्तों यही था हमारा ट्यूटोरियल आज का, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। इससे पहले, ख़त्म करने से पहले, मैंने और बहुत सारा बना के रखा हूँ वो मैं दिखाता हूँ। और एक बात ध्यान रखिएगा कि आपका जो कोट है और आपका जो बैकग्राउंड इमेज है वो दोनों कुछ हद तक मैच हो, अगर कुछ अलग अलग रहेगा तो बात बनेगा नहीं। तो मैं कुछ कुछ बना के रखा हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे ये एक मैं बनाया था, ये हमारे आयरन मैन है, इसे जानते होंगे, इनका कोर्स देखिए इनके ऊपर डिपेंड करता है कि ये कैसा है। और बनाया था मैंने, ये मैंने बनाया था, यहाँ पे जो इमेज था वो ब्लैक एंड वाइट था, फिर मैंने उसे चेंज करके थोड़ा ब्राउनिश कर दिया, मैंने ह्यू एंड सेचुरेशन का यूज़ किया था, वो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। और एक कोड ये था, तो आप देख सकते हैं इसका बनाने का तरीका हमेशा एक ही जैसा रहता है, और कोड्स बहुत इफेक्टिव दिखता है, और आपका पीछे का बैकग्राउंड उसके साथ मैच करे तो ये बहुत बढ़िया हो जाता है। तो दोस्तों फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।